मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के सागर में एक सिलसिली ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो सारे लोग जेल में चले गए, लेकिन उनका कुत्ता रह गया। कुत्ता का नाम है सुल्तान। सुल्तान को लोग इसलिए रोटी नहीं खिला रहे क्योंकि वो हत्यारों का कुत्ता है। ये बीना की जनता की सोच है, उस बार उस मोहल्ले की सोच है। लेकिन अब पुलिस आगे आई है और पुलिस ने इस कुत्ते को अपने पोजीशन में लिया है और उस भूखे कुत्ते को रोटी डाली। शायद ये इंसानियत के इस मसले में सुल्तान जो कुत्ता है वो 6 दिनों से भूखा रहा, मोहल्ले वाले देखते रहे, लेकिन उसे एक रोटी का टुकड़ा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो हत्यारे का कुत्ता है। देखिए खास सागर एक्सप्रेस। कहते हैं कुत्ते को रोटी डालो तो यह बेजुबान जानवर आपकी इस रोटी के एक टुकड़े में उस वक्त तक वफादारी निभाएगा तब तक इसकी सांसें चलती रहेंगी। जिस कुत्ते को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसका नाम सुल्तान है, जो 7 दिनों से भूखा है। इस बेजुबान जानवर को मोहल्ले वालों और वार्ड वासियों ने इस वजह से रोटी नहीं डाली कि उसके मालिकों ने 5 लोगों का कत्ल कर दिया था। बीती 22 तारीख को इसके मालिक मनोहर प्रमोद अहरवाल के परिवार ने अपने चचेरे भाइयों सहित 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मनोहर सहित अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन यह कुत्ता घर में ही रहा। यह अकेला था और अपनी उन निगाहों से अपने मालिक की आने का इंतजार कर रहा था जो उसे रोटी डालते थे। उसे कानून और सजा नहीं मालूम, वह तो बेजुबान है। जब मालिक नहीं आए तो यह सुल्तान भूखा रहा और प्यास से तड़पता रहा, लेकिन वो अपने मालिक का घर छोड़कर नहीं गया क्योंकि घर सूना था। वो लगातार सूने घर में पहरा देता रहा। भूखा भले रहा लेकिन वफादारी उसने नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है और लोगों की नहीं लेकिन पुलिस की संवेदनाएं जागी। बीना पुलिस ने इसको दूध ब्रेड दिया और इस भूखे अनाथ सुल्तान को सहारा दिया। अब वह सुल्तान बीना थाने का सुल्तान है। जी, दिनांक 22 उन्नीस को गोलीकांड में आरोपी गणों द्वारा गणेश वार्ड छोटी बजरिया के अंतर्गत 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें आरोपी गण तो सभी जेल में है वर्तमान में, लेकिन उनका जो कुत्ता था भूख प्यास से तड़प रहा था, क्योंकि उस बेजुबान जानवर की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसको छोटी बजरिया चौकी पुलिस के द्वारा चौकी में संरक्षण दिया गया है। तो वो अभी यहीं पर वर्तमान में रह रहा है। उसके खाने पीने की व्यवस्था सब हमारी तरफ से की जा रही है। आगे यदि उसके परिजन की जो भी यानी आरोपी गण है उनके जो भी परिजन उचित व्यक्ति आएंगे तो उनको सुपुर्दगी पर हम कुत्ते को सुपुर्द कर देंगे। पुलिस भी यह जान ले कि अगर आपने सुल्तान को रोटी दी है तो आप चैन से सोना, यह सुल्तान आखिरी सांस तक आपकी हिफाजत करेगा क्योंकि कुत्तों की जाति होती है, जाति वफादार होती है, ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं और वो समाज भी जानता है जो इसे रोटी देने में कतरा रहा था। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।
वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।